हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का मैं मैसेज दे दूं। उनका मेरे पास कल कमेंट आया था कि मैम मुझे आपके ही सिम्टम मैच होते थे और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, और आप सब भी उन्हें बहुत सारी दुआएं दो, उनके बच्चे की हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और जल्दी से रिकवर हो जाओ। आप जब मुझे इतना सारा प्यार देते हो, बताते हो मेरे क्या हुआ बेबी गर्ल या बेबी बॉय, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप मुझे अपनी फैमिली समझते हो और मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैं आपसे अपने सिम्टम्स शेयर करती हूँ। तो आप भी जरूर बताया करिए कि क्या हुआ, कब हुआ, नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन हुआ है, सारी बातें शेयर किया करें क्योंकि मैं आप सबके साथ फिर शेयर करती हूँ कि प्यारी सी सब्सक्राइबर को फिर से एक बेबी बॉय हुआ। इस वीक दो ऐसे सब्सक्राइबरों के एक मैसेज आए हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। फिलहाल जिनका कल मैसेज आया उनकी डिलीवरी का मुझे पता नहीं है कि नॉर्मल है कि सिजेरियन है, बट उनको बेबी बॉय हुआ है और मेरे ही सिम्टम उनसे मैच करते थे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैं लक्षण आपके साथ शेयर करती हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे प्रेगनेंसी में मेरे साथ काफी मैच हुए हैं और कई सब्सक्राइबरों को भी मैच हुए हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है। और उनका जब मैसेज आता है तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी हर एक चीज मुझसे शेयर करती है कि मैं, मेरे पैरों में स्वेलिंग है, पैरों में दर्द है। आप सबके कमेंट आते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो वहां पर भी मुझे आप पूछ सकते हो। और बेबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगी। बेबी की मसाज कैसे करनी है, मालिश कितनी बार करनी चाहिए, कैसे नहलाना है, तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस है, तो आप उनको वॉच कर सकते हो और उनको फॉलो कर सकते हो। तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जो सिम्टम शेयर करूंगी वो सिम्टम मोस्टली बेबी बॉय होने के टाइम पर देखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे सोने को लेकर, क्योंकि ये कमेंट मेरे पास बहुत टाइम से आ रहा था कि मैम मुझे नींद नहीं आ रही है तो बताओ क्या होगा। तो देखिए, इन सिम्टम्स के ना कोई साइंटिफिक आधार नहीं होते हैं, एक अनुमान के तौर पर ये वीडियोज होती है। कई महिलाओं के केस में सटीक हो जाता है और कई के केस में सटीक नहीं होता है, क्योंकि साइंटिफिक कोई भी इसका आधार नहीं है। कहीं पर भी 100% नहीं लिखा कि ये सिम्टम मैच होगा तो लड़का होगा, ये सिम्टम मैच होगा तो की होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पहले के टाइम पे जो दाई माँ होती थी, घर के बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो क्या करते थे कि बहू बेटियों के खाने पीने के तरीके, उठने बैठने के तरीकों को ही देख के अंदाजा लगाते थे और उनको बता देते थे कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो वही सिम्टम आज भी कई घरों में फॉलो किए जाते हैं, आपके घर में भी फॉलो किए जाते होंगे, बोला जाता होगा, जैसे आपकी मदर इन लॉ, भाभी, आपकी मम्मी, कि आपको मीठा पसंद है तो लड़की है, तीखा पसंद है तो लड़का है। तो सबके अपने अपने घरों में अलग अलग तरीके से सिम्टम बोले जाते हैं। तो मैं आपके साथ जो सिम्टम शेयर कर रही हूँ ना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे घर में क्या बोला जाता था वही आपसे बता रही हूँ। तो बहुत सारी महिलाओं का जो कमेंट आता है कि नींद नहीं आती, तो प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में नींद कम इसलिए आती है क्योंकि रात में बार बार यूरिन का प्रेशर रहता है, उस टाइम पर बेबी का वेट काफी बड़ा होता है। देखिए, आपके पेट में बच्चा है और उस बच्चा पानी की थैली के अंदर है, तो पानी की थैली का वेट, बेबी का वेट, साथ में प्लेसेंटा का वेट, वो सारा वेट आपके प्राइवेट पार्ट पे आता है, यूट्रस पे आता है, जिसे जो यूरिन ब्लेंडर है वो आपका यूरिन काफी देर तक होल्ड नहीं कर पाता, जिस करके बार बार आपको यूरिन का प्रेशर आता है और रात में बार बार उठ के यूरिन जाना होता है, फिर नींद हो जाती है खराब। तो एक ये रीजन भी होता है नींद का कम आना। दूसरा रीजन देखिए, बच्चा पेट में, अब ऑब्वियस ही बात है, बड़ा हो रहा है और बेबी उस टाइम पर काफी मूवमेंट भी अच्छे से करता है, तो इस रीजन से भी कई बार नींद नहीं आती है। कुछ बेबी का बम काफी बड़ा होता है जिस करके आप करवट बदलते हो तो नींद एकदम से खुल जाती है, तो ये भी एक रीजन होता है कि नींद कम आती है। तीसरा रीजन होता है पैरों में स्वेलिंग, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, जिससे थोड़ी सी नींद कम आती है, तो ये भी एक रीजन हो जाता है नींद का कम आना। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो नींद को लेकर क्या कहते हैं प्रेगनेंसी में, ऐसा माना जाता है जो महिलाएं प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा आलसी, सुस्ती, नींद ज्यादा आना, काम करके मन करता फटाफट सो जाओ, कुछ भी काम कर लो मन करता बॉडी बहुत ज्यादा थक गई अब सोना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई सिम्टम देखते हो प्रेगनेंसी के 1 से लेकर पूरे 9वें महीने तक, तो बोला जाता है आपको लड़की होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बेबी गर्ल के टाइम पे बॉडी बहुत ज्यादा सुस्त, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, वहीं बेबी बॉय अगर होता है तो आपको नींद बहुत कम होगी, आप बहुत ज्यादा एक्टिव होगे, हर काम फटाफट कर लोगे, आपको आलस नहीं होगा। ये सिम्टम मोस्टली मेरे सब्सक्राइबरों के केस में भी बिल्कुल सटीक हुआ है कि बेबी बॉय के टाइम पर उनको नींद कम थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी और अपने आप को ऐसा फील नहीं करती थी कि हमारी बॉडी में वीकनेस है, एकदम एनर्जी से बॉडी भरपूर रहती है, तो बोला जाता है चांसेस बेबी बॉय होने के होते हैं। तो आपके केस में ये लक्षण सटीक होगा ये तो आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा, बट ये बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
दूसरा सिम्टम जो बोला जाता है पैरों में दर्द, पैरों में ऐठन, पैरों में नस चढ़ने को। देखिए प्रेगनेंसी का जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है ना, जो भी प्रेगनेंसी की जर्नी है, देखिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, कई महिलाओं को बहुत ही ज्यादा प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, ना वॉमिटिंग होती, ना नौजिया होता, ना थकावट होती है। कई महिलाओं की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज्यादा अप डाउन होती है कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, बहुत ज्यादा नौजिया है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, टिल 9 मिनट तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, एक जैसी प्रेगनेंसी कभी भी किसी की सेम नहीं होती। तो किसी की भी प्रेगनेंसी को अपने से कंपैरिजन बिल्कुल मत करो, क्योंकि सबके हार्मोन गाइज अलग होते हैं। मैं इसीलिए हर वीडियो में आपके साथ ये चीज बोलती हूं कि कभी भी किसी की प्रेगनेंसी को देखकर अपने से तोल मत करो कि उसकी प्रेगनेंसी तो ऐसी चल रही, मेरी क्यों नहीं है, क्या मेरे लड़का होगा, क्या मेरी लड़की होगी। देखिए जो भी हो, भगवान उसको हेल्दी दे और इस दुनिया में आए तो सुरक्षित आए, यही माँ बाप का प्रेयर होना चाहिए। बाकी तो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए हम वीडियोस देख लेते हैं। जैसे जरूरी नहीं है मेरी वीडियो, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर आप देख सकते हो कि क्यूरियोसिटी अपनी कम हो जाए कि अगर ऐसा है तो लड़की, अगर ऐसा है तो लड़का है। क्योंकि आजकल ना बहुत ज्यादा फैशन है कि हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाए तो उसी के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पूरा सेलिब्रेशन करेंगे और रूम वैसे ही सजाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं ना, सबकी गलत धारणा नहीं है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 2 बेटियां होती है और उन्हें चाह होती है कि एक बेटा हो जाए, तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है कि काश थोड़ा सा पता लग जाए। लेकिन इंडिया में लिंग का परीक्षण करना करवाना कानूनी अपराध है, जो भी ये करता है या करवाता है उनको जेल या उन्हें सजा भी हो सकती है। तो इन कामों से दूर रहे। सिर्फ मन में अगर क्यूरियोसिटी आती है प्रेगनेंसी के टाइम में तो आप कोई भी वीडियो देखकर अपनी क्यूरियोसिटी को कम कर सकते हैं। बस मैं यही कहूंगी हर एक वीडियो में कि बेबी जो इस दुनिया में आए वो हेल्दी हो, सुरक्षित हो, यही माँ बाप की प्रेयर गॉड से होनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा महिलाएं जो कहती है पैरों में दर्द है, ऐठन है, तो देखिए ऐसा बोला जाता है अगर आपके राइट पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है प्रेगनेंसी के टाइम में तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है एंड बहुत ज्यादा आपके पैर सूज गए हैं, हाथ पैर सूज गए हैं, तो बोला जाता है आपको लड़की होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी देखिए स्वेलिंग आती क्यों है, स्वेलिंग आप ज्यादा जैसे एक जगह पे आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हो या एक ही जगह पे ज्यादा देर तक खड़े रहते हो, यानी कि एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक अगर रहते हो तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। उससे बचने के लिए आप एक टप पानी लीजिए, पानी वो गर्म लीजिएगा और पैरों को डिप करके रखिए अच्छे से, जब तक पानी ठंडा ना हो तो पैरों को डिप रहने दे 10 से 15 मिनट। जब पानी ठंडा हो पैरों को टॉवल से क्लीन करें और किसी भी ऑयल से अच्छे से मसाज करें, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है ना अच्छे से सर्कुलेट होगा और जो पैरों में दर्द और ऐठन की प्रॉब्लम है उससे काफी ज्यादा आपको आराम मिलेगा। ये लड़का लड़की मैटर नहीं करता, बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि पैरों में स्वेलिंग थी बट फिर भी उनको बेबी बॉय हुआ। बट मेरे केस में ये लक्षण सटीक था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, और जो सब्सक्राइबर के बेबी बॉय हुआ था पिछले वीक उन्होंने भी मुझे यही सिम्टम शेयर किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। थर्ड सिम्टम की बात करते हैं बालों की ग्रोथ को। देखिए प्रेगनेंसी में ये बात तो मानी पड़ेगी, जब बेबी बॉय होता है तो बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में बाल बहुत तेजी से बढ़े, इवन अब बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, एकदम बाल हल्के हो गए हैं। तो ये लक्षण बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ ऐसा बोला जाता है। जब बेबी बॉय होता है तो बॉडी ना वैसे हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है। आपने देखा होगा महिलाओं के कंपैरिजन पुरुषों में बहुत ज्यादा बालों की मात्रा होती है, इस करके हाथ पैरों के बाल बढ़ जाते हैं, सर के बाल बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो प्रेगनेंसी में तो ये एक बेबी बॉय की निशानी होती है। वही बाल बहुत ज्यादा अगर टूट रहे हैं, बेजान हो गए, रूखे हो गए हैं, शाइनी नहीं है, तो बोला जाता है आपको लड़की होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ फेस को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं मेरा फेस बहुत ज्यादा पैची हो गया, पिंपल हो गया, छाइयां हो गई हैं। तो ऐसा माना जाता है जब बेबी बॉय होता है तो फेस का कलर डल हो जाता है, काला हो जाएगा, एक्ने हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, तो बोला जाता है लड़का होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वही लड़की के टाइम पे स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। ऐसा माना जाता है जब बेबी गर्ल माँ के पेट में होती है तो ब्यूटी में लड़की आगे होती है, इसलिए माँ का भी स्किन बहुत ज्यादा फेयर हो जाता है, स्किन फेशियल जैसा ग्लो होता है वैसे ग्लो आ जाता है, स्किन शाइनी हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई निशानी अपनी बॉडी में आप देखते हो प्रेगनेंसी की जर्नी में 5वें महीने के बाद तो ये निशानी एक लड़की होने की होती है। मेरे केस में ताकि मेरे पे छाइयां होगी थी, इवन अभी भी हैं अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, कैमरे कितना कैप्चर करता है आई डोंट नो, बट मेरे फेस पे बहुत ज्यादा छाइयां हो गई थी, फेस का कलर डल हो गया था, हाथ पैर जो एल्बो बहुत ज्यादा काली हो गई थी। तो ये लक्षण मेरे केस में तो सटीक था। इवन मेरे घर में बहुत सारी जैसे भाभियां हैं, दीदी हैं, उनके जब प्रेगनेंसी थी उनके केस में भी ऐसा था, फेस बहुत ज्यादा छाइयां पिंपल हो गए थे, उनको भी बेबी बॉय हुआ। तो ये लक्षण बहुत ज्यादा माने जाते हैं, आपके घर में भी बोले जाते होंगे, तो ये मेन सटीक लक्षण होते हैं बेबी बॉय के। बाकी आज मैंने जो 3 लक्षण शेयर किए मे भी आपके किस में सटीक हो। वीडियो को एंजॉय लीजिएगा क्योंकि मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज में सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।